बर्थडे है यानी कि 31 जनवरी, तो हम लोगों ने उनके लिए एक सरप्राइज प्लान करने के लिए सोचा है। तो अभी बज रहे हैं 9, तो 12 बजे क्योंकि यानी कि हमारे पास 3 घंटे हैं, हमें 3 घंटे में उनके लिए मतलब रूम डेकोरेट करना है। तो यहाँ भी मेरे साथ है प्रिंस भैया और मैं, अभी हमें कोई भी नहीं है। तो हम लोगों ने उनके लिए रूम डेकोरेट करने के लिए सोचा। आप लोग देख सकते हैं हमने अभी तक कोई भी मतलब कुछ भी रूम डेकोरेट नहीं किया है। तो गाइज अभी हम लोगों को बहुत सारा सामान लाना है, जिसमें कि हमें डेकोरेशन, केक एंड मतलब बहुत सारा सामान लाना है। तो अभी सबसे पहले हम लोग चलेंगे कन्फेक्शनरी की शॉप पे। तो चलिए गाइस, जैसा कि वैष्णवी ऑलरेडी आपको वीडियो के इंट्रो के बारे में बता चुकी है, हम लोग केक लेने आ चुके हैं चिराग के लिए सरप्राइज देने के लिए उसे। लेकिन यहाँ तो हमें ही सरप्राइज मिल चुका है, यहाँ ऑलरेडी गौरव भैया पहुंचे हुए हैं, वो भी चिराग के लिए केक पैक करा रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। हेलो गौरव भैया, कैसे हो? बढ़िया। चिंटू भाई केक दिखा दीजिए हमें जरा गौरव भैया का। ये देख सकते हैं आप लोग, ये गौरव भैया ने चिराग के लिए केक पैक कराया है, काफी अच्छा केक है। और हमें भी दिखा दीजिए चिराग के लिए कोई केक अच्छा सा। थोड़ा सा हम बाहर को देख लेते हैं, बाहर भी काफी सारे केक समय देखने के मिल रहे हैं। वैष्णवी इधर आओ, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी अच्छे अच्छे केक से हैं। कोई अच्छा लग रहा है वैष्णवी? I think red वाला केक बहुत अच्छा है। देखिएगा। सो गाइज, वैष्णवी ने जो केक है वो सिलेक्ट कर लिया है और अब केक के ऊपर ही अपनी कलाकारी दिखाने वाली है, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं। यहाँ ये खुद नाम लिखने वाले है चिराग का, देखते हैं कितना अच्छा लिखते हैं। उम्मीद तो नहीं है मुझे इससे कुछ। वाओ वैष्णवी वाओ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो वैष्णवी। वाओ, इधर तो देख लो थोड़ा सा, हमारी साइड देख लो। वाओ, हटियो थोड़ा साइड हो ना। तो ये देख सकते हैं काफी अच्छा नाम लिखा है वैष्णवी ने, केक भी बहुत सुंदर लग रहा है, वैष्णवी की पसंद का ये केक। वो थोड़ा हैशटैग बिगड़ गया, वरना तो केक तो मस्त ही लग रहा था। ठीक है, ये व्हाइट वाले देख, व्हाइट वाले, ये व्हाइट सामने है, ये व्हाइट वाले, कौन से? आधे आधे व्हाइट दे दो, आधे रेड दे दो, रेड एंड व्हाइट दे दो। हां, एक ही पैकेट में। हां दे, हां या फिर से नीचे वाले दे। दूध भी लेके जाना हो ले जाएगी तो बता दे। हाँ, एक रेड कलर। और क्या डेकोरेशन करोगे इतनी जल्दी में? अच्छा, इसके बैकग्राउंड में कर्टेन दो, कोई डेकोरेशन का कर्टेन दिखा दो एक बार। वो जो होता है, हां हां, जो हम ब्लू वाला ले गए थे। हां, कौन सा कलर थी वो? मेरे को पर्पल ने, पर्पल इसके पीछे एक काम करो, बोलो या तो फिर पिंक या रेड, रेड ये पूरा हैप्पी बर्थडे सारा है, पिंक या रेड लिखा हुआ है। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं मुकुल और अभिलाष भाई ऑलरेडी हमारे पास पहुंच चुके हैं। हेलो गाइस, तो अब हम सब जो है डेकोरेशन करने वाले हैं। वैष्णवी भी हमारे साथ यहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा जो सामान है हम ला चुके हैं। यहाँ आपको बैलून्स देखने को मिलते हैं, काफी सारे बैलून्स हैं हमारे पास। सो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हमने काफी सारे जो बैलून्स हैं वो फुला दिए हैं। और वैष्णवी आप लोगों से कुछ कहना चाहती है? और ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा, सबसे ज्यादा बैलून्स कौन फुलाता है। ये ले, तुम्हारे ढंग से पकड़ ले, पहले तुम्हारे ढंग से पकड़ ले। ये तस्वीर करते आ रहे हैं इस बंदे से, कुछ उम्मीद मत रहा है। दो गुब्बारे फुलाए ने जब से आया है। अरे मैं सारे मैंने फुलाए हैं। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, ये गुब्बारे जो है अभिलाष भाई ने फुलाया है, इसमें से ज्यादातर गुब्बारे जो है ये अभिलाष भाई ने फुलाया, आपके सामने खड़े हैं। और ये जो हमारी वैष्णवी है, ये थोड़ा टाइम पास कर रही है। वैष्णवी ने खाली गिनती की, ये बता कौन फुला रहा था, कौन फुला रहा है, नाम ले। झूठ मत बोलो आप लोग,
नाम ले बता कौन बुला रहा तेरे साथ। ये लोग सरासर झूठ बोल रहे हैं। ज्यादातर गुब्बारे जो है अभिलाष भाई ने फुलाए हैं और इसने गिनती के चार गुब्बारे फुलाए, पांचवा फुलाई थी वो फूट चुका है, पांचवा गुब्बारे ने फुलाई थी वो फूट चुका है। उन्हें अभी ये भी नहीं पता कि मुकुल भाई भी हमारे साथ यहाँ घर पे हैं और मुकुल भाई की जो बाइक है वो हमने घर से थोड़ा आगे लगवाई है जिससे उन्हें भनक भी ना लगे कि इतना बड़ा सरप्राइज जो हमने प्लान कर लिया उनके लिए। तो अब हम उन्हें फोन करने वाले हैं, जैसे कि वैष्णवी फोन कर रही है तो स्पीकर ऑन कर दो। स्पीकर ऑन है। हेलो हेलो, कहाँ पर हो, कहाँ पर हो आप भैया? अच्छा, कब तक घर आओगे? घर के बाहर ही खड़ा। ऐसा करो जल्दी ऊपर आ जाओ, तुम लोग थोड़ा काम है यहाँ तो ऐसा करना ऊपर आओ जल्दी फटाफट। पहले गौरव भैया को भी लेके आना, गौरव भैया से भी काम है थोड़ा, ठीक है? तो आप लोग ऊपर आ जाओ। हाँ थोड़ा सफाई सफुई करनी है भाई, सामान रखा हुआ थोड़ा यहाँ, ठीक है? हाँ, थोड़ा काम है जल्दी। ओके आप लोग आ जाओ। सो गाइस चिराग घर पे आ चुका है, अब वो ऊपर आने वाले हैं तो हम लोग अभी लाइट्स ऑफ कर रहे हैं। जैसा तो कि हमने मुकुल भाई को यहाँ खड़ा कर दिया है, मुकुल भाई लाइट्स ऑफ कर दीजिए। लाइट्स हमने यहाँ पे ऑफ कर दिए सारी, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप वैष्णवी तो अभी वो आने वाले हैं, तो चलो देखते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। तो गाइस हमने भैया का बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया है, पर एक चीज़, जैसे हमने बैलून फेंके थे तो कुछ लोग कमेंट में बोले या फिर उनके मन में क्वेश्चन रहे कि हमने बैलून को स्टिक क्यों नहीं किया वॉल पर, तो हमने इसलिए स्टिक नहीं कर पाए क्योंकि रात हो गई थी, रात के 12 बज चुके थे तो हम अच्छे से डेकोरेट नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास सेलो टेप ख़त्म हो चुकी थी और सारी लोकल शॉप्स बंद हो चुकी थी, तो इसलिए हम लोग डेकोरेशन नहीं कर पाए अच्छे से। तो गाइस अभी हम वीडियो को एंड कर रहे हैं, तो जिस किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर प्रेस करो और वीडियो को लाइक करना और बताना वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी बताना। थैंक यू, लव यू ऑल।